दोस्तों, हमारे आज के शो में हमारे साथ हैं मीर रंजन नेगी जी, जो हॉकी इंडिया के गोलकीपर रहे हैं, कोच रहे हैं, और आज भी वो कोचिंग दे रहे हैं हॉकी की, और साथ में मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। नेगी साहब की लाइफ स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि इनके ऊपर शाहरुख खान जिस फिल्म में थे, चक दे फिल्म का निर्माण हुआ, वो फिल्म बहुत हिट हुई, और उस समय यंग इंडिया के बहुत सारे लोगों ने नेगी साहब और उनकी स्टोरी और किस तरह से एक इंसान एकदम नीचे जाता है और किस तरह से वो बाउंस बैक कर सकता है, इतनी पॉजिटिव स्टोरी बहुत ही कम लोगों की देखने में आई है। लोगों को बहुत इंस्पायर की ये फिल्म इस वजह से, और मीर रंजन नेगी जी को आज यंग जनरेशन भी उस फिल्म की वजह से ज़्यादा जानती है। नेगी साहब, आपका आज के शो में स्वागत है। थैंक यू कंचन जी। कंचन जी से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं और हम सभी उनकी जो पेन है, जो उनकी तलवार है, उसके कायल हैं, और उनके बहुत अच्छे अच्छे लेख मेरे बारे में भी और सभी विषयों के बारे में सभी दर्शकों ने देखे, और उनकी कलम की वजह से उन्हें कई अवार्ड भी इसे भी नवाजा गया। तो मेरा आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं उनके सामने इस तरह से बैठा हूँ। मेरी छोटी बहन भी है वो, और एक आंतरिक संबंध भी है हम लोगों का, कि कुछ भी रहता है तो भी डिस्कस की सोच, पहली बार है हमसे कि हम लोग आपस में इस तरह से बैठे जी। देखिए साहब, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी हॉकी की शुरुआत कैसे हुई। आपने एक लंबा उतार चढ़ाव से भरा जीवन देखा है, और मुंबई में काफ़ी साल आप कस्टम में रहे हैं ऊंची पोस्ट पर, और अब आप वापस अपने शहर इंदौर जा चुके हैं। तो एक चीज़ हमें ये बताइए कि इंदौर शहर में आप इतने साल बाद क्या बदलाव देखते हैं, और जो आपकी शुरुआत हुई वो कैसे हुई, और आज हॉकी की क्या स्थिति है इंदौर के बारे में? इंदौर खेल की नगरी कहा जाता है, और यहाँ पर क्रिकेट का बहुत बोलबाला है, और बहुत अच्छे से स्टेडियम्स हैं, और सी के नायडू, मुश्ताक अली और बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ से पैदा हुए। मुश्ताक अली जी ने मुझे भी क्रिकेट के टिप्स दिए, मैं केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था। लेकिन जब मैंने हॉकी खेलना शुरू किया, तब उसके बाद में जो सारे जो दूसरे गेम थे जो मैं खेलता था, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं वॉलीबॉल खेलता था, यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलता था, बहुत अच्छा एथलीट था, लेकिन वो सब पीछे छूट गए, और हॉकी का जो प्यार था बिल्कुल सर चढ़ के बोलने लगा। 1983 के पहले जब इंडिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता था, तो उसके पहले हॉकी और क्रिकेट की पॉपुलरिटी ऑलमोस्ट सेम थी। मतलब जितना पैसा का पैसा मिलता था हॉकी मिलता था, ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, और बच्चे बच्चे जो थे वो हम लोगों को पहचानते दिखाते थे, खिलाड़ियों की पहचान पहचानते थे। इंदौर में याद है कि 75 में हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, और अजीत पाल सिंह उस टीम के कप्तान थे, आज भी हाँ बहुत अच्छा माहौल। और शुरू में मैं फॉरवर्ड खेलता था, बाद में मैं गोलकीपर के लिए शिफ्ट किया, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में कोई गोलकीपर नहीं था, और बहुत छोटी उम्र थी मेरी उस जमाने में, ये पैड्स नहीं होते थे, आजकल आप देखते हैं बिल्कुल एस्ट्रोनॉट्स की तरह सारे गोलकीपर रहते हैं, उनका हेलमेट रहता है, चेस्ट गार्ड, बॉडी गार्ड, उनके ग्लव्स इतनी बढ़िया बढ़िया रहते हैं, उस जमाने में नहीं था ऐसा। लेकिन बिना फेस मास्क, बिना किसी के वो जुनून जुनून वो इतना जबरदस्त था कि गोलकीपर खेलना शुरू किया छोटी उम्र, और जब तक खेला हमेशा नंबर वन पर रहा, और कभी मैंने मुड़के नहीं आज जिसे हॉकी के बारे में हम देखें तो भारत की खुद की स्थिति हॉकी में कोई बहुत अच्छी नहीं है, उसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान की हॉकी का टर्निंग पॉइंट था वो 1982 का मैच
1982 में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन हो रहा था। हमारी प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी थी और राजीव गांधी जी जो थे वो सियासत में कदम रख रहे थे, इंडियन आइस में पायलट की नौकरी किया कर रहे थे और दिल्ली को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया था। क्या माहौल था मैं पता नहीं, नए फ्लाईओवर, नए स्टेडियम, सब जगह जगमग जगमग जगमग, और वो जो जो टेंशन हम लोगों को दिया गया उस जमाने में और जो हम लोग टेंशन को बर्दाश्त कर सके उसकी वजह से शायद उस मैच में हम लोग 7-1 से हारे, जो तब तक की सब शर्मनाक हार और फिर उसके बाद में जब जो कि नीचे आई तो फिर शायद कभी उभर के नहीं आ सकी। 1998 में एक मौका था जब धनराज पिल्ले की कप्तानी में मैं कोच था उस टीम का और हम लोगों ने 32 साल के बाद में हिंदुस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स, लेकिन इंडियन हॉकी फेडरेशन की जो फर्दा धर्दा थी उन्होंने उसको यूज नहीं किया और अब ये माहौल है कि पूरे हिंदुस्तान में सिवाय क्रिकेट के दूसरे खेलों को वो स्नेह, वो प्यार, वो तवज्जो नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए और इसीलिए जो है वो जो है धीरे धीरे धरातल चलती चली है। नेकी साहब, वो जो 1982 का मैच था जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं छोटी थी, टीवी था लेकिन बहुत कम घरों में टीवी था। मुझे उस मैच की ये याद है कि जिन घरों में टीवी था पूरा भर के मोहल्ले वाले वहाँ पर बैठ के उस मैच को देख रहे थे और जहाँ तक मुझे ख्याल है कि शायद इंदिरा गांधी उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी वो भी थी स्टेडियम में और राष्ट्रपति भी थे ज्ञानी जयल सिंह जी और भी शायद बड़े मिनिस्टर्स और जितने बड़े लोग हो सकते हैं उस वक्त भारत के, सब उस मैच को देखने आए थे क्योंकि वो हॉकी भारत और पाकिस्तान के बीच में था, दूसरे एशियाड की हम मेज़बानी कर रहे थे और वो ये फाइनल मैच था, काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को और वो मैच हमने 1-7 से हारा। आप गोलकीपर थे उस मैच के, तो निश्चित तौर पे एक सबकी निगाहें गोलकीपर पे रहती हैं अगर बार बार गोल आपकी टीम के ऊपर आ रहे हैं। उस समय ये अफवाहें मैच के बाद ये उड़ी कि जानबूझ के आपने मैच हरवाया या आप पाकिस्तान के एजेंट हैं। उसके बाद आपको टीम में भी कभी दोबारा नहीं चुना गया, वो सब भावनाएं क्योंकि आप ये एक तो हार अपने आप में किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी गम की बात होती है, लोग सालों साल मेहनत करते हैं किसी वजह से टीम में आते हैं, टीम में भी जी जान लगाते हैं, तो हारना एक अपने आप में गम है फाइनल मैच में एशियाड के और साथ में इतना बड़ा आरोप जिसको कभी साबित नहीं किया गया लेकिन वो आरोप आपने झेला और आज अभी पाकिस्तान का एजेंट कहना एक बहुत आम सी बात हो गई है, कोई भी सरकार का विरोध कहे करे तो वो उसको पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान, पाकिस्तान का एजेंट बोल दिया जाता है। उस समय ये इतना आसान नहीं था क्योंकि शायद ही किसी को इस तरह से पाकिस्तान का एजेंट, आपने वो सब कैसे झेला अगर उस वक्त के बारे में बताएं, आपका वो दिन वो रात, रात में शायद वो मैच हुआ था शायद, है ना, क्या कहते हैं? नहीं, उस समय शाम दिन में ही मैच हुआ था। ओके ओके, ये ब्लैक वेडनेसडे कहते हैं हम लोग, उस मैच के बारे में मैं सोचता हूँ तो आप विश्वास करेंगे कि मैं आज भी बहुत नर्वस हो जाता हूँ और मेरी सांस रुक सी जाती है और नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली की वो जो शाम थी उसका एक एक दृश्य जीवित होकर मेरे सामने नाचने लगा। आपने सही कहा, पूरी जो कैबिनेट थी हमारी वो वहाँ पर वीआईपी बॉक्स में मौजूद थी जिस समय हम लोगों ने उस मैदान में कदम रखा। लोग हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भारत की हॉकी टीम की जीतने का इंतजार कर रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कम ऑन इंडिया के नारों के पूरा स्टेडियम गूंज रहा था, पूरे स्टेडियम में जरा बैठने की जगह नहीं, 100 रुपए का टिकट जमाने में लोगों ने हजार हजार रुपए में और मैच शुरू हुआ तो पहला गोल जो था वो जफर इकबाल हमारे कप्तान थे हमारा और उसके बाद में वो जो टेंशन का गुब्बारा था ना वो फट गया, पूरी टीम जो है वो ताश के पत्तों की तरह ढह 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 गई। हाफ टाइम पर मैं कोच के पास गया भी, उस समय हम लोग
तीन एक थे या चार एक चाह रहे थे, तो मुझको मैंने कहा कोच मुझे चेंज कर दो, आपके पास दूसरा गोलकीपर है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मिसेज इंदिरा गांधी ने अपने एडीसी को भी भेजा ये कहने के लिए कि गोलकीपर को चेंज कर, लेकिन शायद उन्हें मुझ पर विश्वास था या फिर ये मेरी तकदीर में लिखा हुआ है। आप टाइम के बाद में पाकिस्तान ने चार गोल और मारे और मारे आई वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ येलो जनरेशन। पहली बार हिंदुस्तान में कलर टेलीविजन का इंपोर्ट हुआ था 1982 और पूरा देश जो था वो पहली बार इन मैचेस की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग और वो भी सिर्फ दो कैमरा की मदद। आजकल 40-50 कैमरा लगाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, तो ये बात भी यकीनन तय है कि वो जो टेक्नीशियन थे कैमरामैन थे वो इतने एक्सपर्ट नहीं थे। जब वो एक कैमरा से दूसरे कैमरा में शिफ्ट करते थे तो कई बार वो खाली गोलपोस्ट दिखाते थे जिससे ऐसा लगता कि शायद गोलकीपर जानबूझ के गोल छोड़ रहा है। हम लोग वेट करते रहे वेट के चढ़ जाने का, लेकिन भीड़ जाने के बाद जब हम लोग तो मैं अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, मुझे याद है कोई किसी से बातें कर रहा था, किसी से किसी की तरफ की नजर निगाह उठा के नहीं देख पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैयत में आती किसी की डेथ हो गई हो, उस तरह का माहौल था। यहाँ तक कि जब वो मेडल्स भी पहनाए जा रहे थे मुझे याद है लोग जोर जोर से जोर कर रहे थे, जैसे इस कॉम्पिटिशन में हमारा सबसे नीचे का स्थान रहा था। दो दिन तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया और उसके बाद एक पुस्तक थी हमारे लेके गए बाहर, एक पंडारा रोड है वहाँ वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में जैसे हम लोग बैठे थे रेस्टोरेंट को चारों तरफ से घेर लिया, चिल्लाने लगे हम लोग ना खाना खाए वहाँ से निकले, जहाँ जाते थे लोग तीर मारते थे गाली बकली। जब मैं इंदौर अपने शहर वापस आया मुझे मालूम पड़ा मेरे घर पर पथराव हुआ करके शीशे थे और बाहर निकलना मुश्किल। आपको तो मालूम है कस्टम वहाँ पर भी लोग कहने लगे कि आपकी इंक्वायरी हो रही है, आप हमारे सारे में मत आओ सिक्योरिटी में आ जाएंगे। सब लोगों ने बात करना बंद कर दिया। मेरी शादी हुई एक साल बाद, लोगों का गुस्सा इतना तेज था किसी ने वो मेन कटआउट निकाल दिया। उस जमाने में जनरेटर्स आम शादियों में यूज नहीं होते थे, तो पूरी शादी जो थी वो अंधेरे में हुई। मेरे दोस्त थे इंदौर के आज भी याद करते हैं वो मोटरसाइकिल और स्कूटर की रोशनी में शादी कर चुके थे। लेकिन कभी हॉकी का दामन छोड़ा मैंने, बहुत मेहनत की लेकिन मुझे वापस टीम ने कभी मौका नहीं दिया। और जब जब मैंने खेलना छोड़ा मैंने कोचिंग करना शुरू और कोचिंग करने के बाद में हम लोग जूनियर लेवल के लेवल पर कोच थे, यूनिवर्सिटी लेवल के लेवल पर रहते थे। और यहाँ मुझे न सिर्फ कोचिंग में दिलचस्पी हुई बल्कि मुझे आशा की शक्ल नजर आई कि अभी हिंदुस्तान टीम का कोच बनूंगा और अपनी टीम को गोल्ड मेडल से दमदम और वहाँ राष्ट्रीय जीतेगा धीरे 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 हमारा तिरंगा तिरंगा रहेगा। कबीर खान कंचन के वापस आने में कुछ 5 साल 4 महीने 14 दिन ऐसा कुछ लगते हैं, ऐसा कुछ लगता मुझे 16 साल और उन 16 साल में एक दिन नहीं गया मैदान में। मेरा दोस्त था वो इंडियन हॉकी फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी बना के जो कंबाइंड में मेरे साथ हॉकी खेलता था 1998 में उसके बाद में मैं वुमन हॉकी में गया, वुमन हॉकी में भी जितने टूर्नामेंट सब में गोल्ड। एक छोटी सी कहानी थी जिसका
एक-एक दिन मैंने उसकी अपनी डायरी ली और एक-एक कटिंग जो जो पेपर में आती थी वो संभाल के वो हम लोगों ने यहाँ यशराज फिल्म्स को दिखाई थी, हम लोग की बना रहे और बहुत करने के बाद में ऐसा लगा कि जैसे कि बॉल को आपने जितनी जोर से नीचे फेंका पर उतनी जोर से ऊपर आई। और मैं एक ऐसा हॉकी प्लेयर नहीं हूँ जिसके साथ में इस किस्म की कोई घटनाएं आई वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म डेफिनेटली, लेकिन फिर भी बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ में खराब हुआ, लेकिन हम सबके अंदर एक भाग मिल्खा सिंह भाग है, हमारे अंदर सबके अंदर एक मेरी कॉम और हमारे सबके एक छवि दे सकते। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम सबके अंदर एक चकदे है। अगर उस मैच की हम बात करें, काफ़ी निराशा भरा माहौल था और उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर था, और आप जैसे कि अभी बता रहे हैं कि गोलकीपर चेंज करने के बारे में आपने खुद रिक्वेस्ट किया और आपको ये पता चला कि शायद प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि वो एडिशनल एक मेंटल प्रेशर था आपके ऊपर, क्योंकि आप शायद खुद फुल्ली कन्विंस नहीं थे इन दैट पोजीशन? दरअसल मैंने पहले भी कहा है ये बात कि उस जमाने में हमारे जो कोचेस थे वो हमें टेक्निकल रूप से बहुत ज्यादा कुछ बताते नहीं थे, वो लोग जोश दिलाते आज तुमसे तुम्हारी माँ अपने दूध का हिसाब मांग रही, आज तुम्हें मर जाना है अपने देश के लिए, ऐसा करना है देश को शौक। ऑलरेडी जो हमारी एंग्जाइटी लेवल गुब्बारा वो फटा। इसके अलावा हमारी टीम में एक प्लेयर ऐसा था जिसने फाइनल तक मैच नहीं खेला, टीम के आप किसी से भी पूछेंगे तो बताएंगे आपको हॉकी बना, लेकिन अगर वो उसकी वजह दूसरा कोई फुलबैक खेलता था शायद शुरू से तो ये सब नहीं होता, लेकिन माहौल इतना जबरदस्त गरमाया कि एवरीबॉडी वांटेड टू बी ऑन द ग्राउंड, सब लोग ग्राउंड में जाना चाहते थे, सब लोग वो हिंदुस्तान का झंडा लेके वहां आना चाहते थे। मुझे याद है देश के हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, वो एशियन गेम्स के विलेज में आते थे और कहते थे कि मिसेज इंदिरा गांधी कहती है कि हिंदुस्तान ने एशियन गेम्स में जितने भी गोल्ड मेडल जीते हैं उनका वो महत्व नहीं है जो हॉकी का है, आप लोग जीत जाओ, हम आपको वहाँ पंजाब में ट्रकों पर बैठ के घुमाएंगे, वो इस्तकबाल होगा आपका जिसकी आप भी परिकल्पना नहीं करेंगे, आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा, आप लोग करोड़पति हो जाओगे। छोटे से बच्चे हम लोग, मेरा रूम पार्टनर मोहम्मद शाहिद बहुत बड़ा प्लेयर हुआ है, हम लोगों ने उसे दो एक साल पहले खोया, लेकिन दोनों के दोनों इतना टेंशन। और मुझे याद है जब हम बाहर के राजीव गांधी जी हमारे यहाँ आए और उन्होंने कहा कैसे खेल रहे, ऐसा लग रहा है जैसे कि वर्ल्ड वॉर हो रहा है, कोई मैच है। और आप यकीन करेंगे जब हमारी इंडियन हॉकी टीम वहाँ फाइनल मैच जा रही थी तो हमारे हिंदुस्तान के साहबजादे थे वो हमारे साथ में रहते थे, वो आके इसी तरीके से बिल्कुल हमारी टीम बिल्कुल मैदान में जाने के पहले प्रेयर करती है तो उस समय वो आके बोलने लगे अपने टीम के प्लेयर्स को कहा खुश हम लोग एक प्रैक्टिस मैच में जा रहे हैं और इस प्रैक्टिस मैच में अगर आपने अपना 60% या 70% भी परफॉर्म किया यकीन मानना हम लोग बाहर आए।
वही हुआ वही हुआ जो जीत गया जीत गया। तो आप एज ए कोच कोच आपका काम है अपनी टीम के हर एक प्लेयर से अच्छा परफॉर्म करना, ये लैपटॉप की कोचिंग ये है ना एक्सरसाइज कराना इतने नहीं होते। एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा। लास्ट वीक में यहाँ इंदौर में एक गोल्फ का टूर्नामेंट मैं इंदौर के अच्छे गोल्फर में गिनती है मेरी बहुत अच्छा खेल रहा हूँ। लेकिन उस दिन मालूम नहीं क्या हुआ मैं सबसे खराब तब मुझे लगा कि हम इतना उपदेश दे इतनी बातें करते हैं लेकिन एक्चुअल में हकीकत में जिस इंसान के ऊपर गुजरती है जो आदमी अपने आप को इस तरीके से महसूस करके अपने आप मोल्ड करता है वो ही विजय विजय। तो निरंजन नेगी एक छोटा सा मामूली कोच लेकिन मेरे टीम के हर एक लड़की ने वो कमाल दिखाया जो मैं उनको कह रहा था और उन्होंने उस बात को फॉलो किया समझा और इतना अच्छा नेगी साहब। आप मुंबई के खालसा कॉलेज में काफ़ी साल से खाते रहे हैं और उसके साथ साथ जो बीएमसी के स्कूल में जो साधारण परिवारों के गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं लड़कियां होती हैं उनको आपने बहुत सालों ट्रेनिंग दी है और मुझे अभी भी याद है वो ट्रेनिंग सेशन मैं खुद कई बार देखने आई और उसमें एक लड़कियों में जो एक मेजर चेंज था जो मैंने लड़कियों से बातचीत करके महसूस किया और जाना तो उनका ये कहना था कि हम स्पोर्ट्स तो खेल ही रहे हैं लेकिन हमारे जो लुकआउट है हमारा जो विजन है लाइफ के प्रति जो लाइफ स्किल्स हम जिनको कहते हैं उस सब में काफ़ी हद तक चेंज आया है। तो गेम तो एक जस्ट एक पार्ट है उसके ज़रिए हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और उससे शायद हमको गरीबी से आगे आने में भी मदद मिलेगी तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है और ख़ासकर अब जबकि लॉकडाउन चल रहा है बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे कि भाई हम जो खेलते भी हैं वो भी नहीं खेल पा रहे हैं तो क्या करें कैसे करें और ये कितना इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। 21 अक्टूबर 2005 को जिंदगी ने एक दूसरा बहुत बड़ा सदमा दिया मुझे। मेरा 19 साल का बेटा था वो IHM औरंगाबाद में पढ़ता था फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था और हेलमेट उसका वो उसने अपने हैंडल पे रखा था क्योंकि मुंबई शहर में गर्मी होती है। वो गिरा उसको बिल्कुल चोट नहीं आई ये सिवाय वो सर में चोट लगी थी उसके साथ में उसका जो दोस्त पीछे बैठा था उसको खरोंच भी नहीं आई इसको भी खरोंच नहीं आई। लेकिन उस दिन मैं अपने ऑफिस में था और मैंने ईश्वर से बहुत प्रार्थना करी कि हे भगवान इससे कुछ ना कुछ बट आई लॉस्ट लॉस्ट और जिस दिन उसकी तेरहवीं थी उस दिन यशराज चेन से ये ऑफर आया कि आप ऑन बोर्ड आइए और शुरू में तो मैंने मना किया लेकिन बाद में मुझे लगा कि एस्केप रूट है और उनके इस प्रोजेक्ट में जुड़ा तो बाद में जब उन्होंने इतना फोर्स किया तो जुड़ा है और मुझे बाद में समझ में आया कि वो क्यों चाहती थी पूरी कहानी जो थी वो मेरे मेरे इर्द गिर्द गिर्दी थी सारी की सारी की सारी। तो उन लड़कियों ने जिन्होंने कभी हॉकी नहीं खेली उनको हम लोगों ने करीब 6 महीने ट्रेनिंग दी। ये जो चक्के में लड़कियां हैं इन्होंने इनमें से 12 बनो किसी ने हॉकी नहीं खेली तो उनको ट्रेनिंग दिया फिर एक एक चक्के का एक एक सीन बनाया हम लोगों ने कोई मैचेस तो है नहीं वो तो उनको एक एक सीन अपनी कोरियोग्राफी करी और शाहरुख और एंटायर टीम ऑफ चक्के जो टीम थी 100 लोग यहाँ से गए थे 50 लोग ब्लैक कैट की कंपनी के वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में 150 लोग करीब 2 महीने हमने ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ द मूवी जो है चक्की का वो वहाँ पर शूट होता है और मैं आपको बताऊं कि ये एक्ट्रेस हैं इतनी एक्सपर्ट होती हैं एपिंग मिमिक्री करने में जब मैं पेनल्टी कॉर्नर में बॉल रोकते थे इतना बढ़िया रोकती थी कि हमारे लड़के घबरा जाते एक मैच है लड़कों का और लड़कियों का उसमें
साउंड कैमरा एक्शन बोले तो उनके हाथ पर हाथ की दिल्ली ये लड़कियां उन्होंने गजब गजब और मूवी को देखकर कहीं ऐसा लगता है कि ये लड़कियां जो हैं उन्होंने कहीं नौकरी की। 21 अक्टूबर 2006 का दिन मतलब ठीक एक साल बाद हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया में थे उस दिन दिवाली का दिन और पूरी जो यशराज सिंह की टीम थी वो दिवाली मना रही मैं अपनी पत्नी के साथ के था वहाँ पर और हम लोग अपने कमरे में आए तब मैंने ये पूछा कि हम लोग एक फाउंडेशन बनाए एक ऐसा फाउंडेशन बनाएंगे जिसमें खेल के माध्यम से हम लोग आने वाली जनरेशन में एक जोश भरे एक लाइफ स्टाइल देंगे उनको लड़ना सिखाएंगे। और तब हम लोगों ने अभी फाउंडेशन बनाया और अभी फाउंडेशन में जो हमारी पहली एकेडमी थी वो सलाम बॉम्बे हॉकी एकेडमी जहाँ चार स्कूल की 120 लड़कियाँ कॉलेज में के लिए हॉकी खेलती थी जहाँ आप आए थे वहाँ वो लड़कियाँ जो शुरू में आती थी कंचन जी ऐसा नीचे उनके आँखें रहती थी लेकिन धीरे धीरे करके वो ऐसे सामने देखती थी उनका पोस्चर जिस तरीके से चेंज होता है खेल आपको सब कुछ सिखा इसके अलावा वहाँ पास में एक शेल्टर डॉन बॉस्को तो शेल्टर डॉन बॉस्को में फादर विलियम फाल्काओ करके आज भी मेरे भी बहुत ज्यादा टच में है। हम लोगों ने करीब 8 साल उनके साथ में काम किया वो बॉम्बे में जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है भागे हुए घर से भागे हुए उनको एक जुट करके रखना एक जगह पे बहुत मुश्किल थे पर बॉर्न फ्री घर से भाग जाते लेकिन हमने उनको एक एक जुट किया कि एक टीम बनाई दो टीमें जो मुंबई हॉकी लीग में है खेलती थी और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उनमें से वो जो लड़की थी कई लोग ड्रग्स से बाहर आए सिगरेट से बाहर आए हॉकी आपको डिसिप्लिन भी सिखाता है तो हमने उनको बोला था अगर आप खेलेंगे तो आपको ये चीजें छोड़ना पड़ेगा। वो सब जब सब चीजें हुई एक तरीके से और हमारे वहाँ एक लड़का निकला सूरज करकेला तो हमारी टीम जो बाद में चूरी डंडा खेला सुरेंद्र जो मेरी टीम को खेला था वो ओलंपिक निकला तो एक दिल को बहुत सुकून जैसा और अभी मैं इंदौर आया हूँ तो मुझे मालूम पड़ा कि हमारा जो प्रकाश हॉकी क्लब जहाँ पर मैं इतने साल खेलता था 70 साल उसको उन्होंने एक ट्रेंचिंग ग्राउंड में कन्वर्ट कर प्रिंसिपलिटी ने वो ग्राउंड छीन लिया तो हमारे पास में ग्राउंड नहीं था तो हम लोगों ने सड़क के पास पास यहाँ डेली कॉलेज के पास हम लोगों ने बच्चों के साथ एक प्रयोग शुरू हमने कहा वहाँ के छोटे छोटे बच्चे करीब करीब शुरू में 10-15 आते थे इस दिन वो कैंप खत्म हुआ 140 किड्स वर थे 150 बच्चे कोविड के पहले डेली डेली और आज भी आज वो छोटे बच्चों को हमने मना किया होगा बिकॉज ऑफ दिस लेकिन अभी जो नया प्रपोजल आया हॉकी इंडिया का जिसमें हम लोग अपने सीनियर प्लेयर्स को साथ में जोड़कर हॉकी की जो आत्मा है उसको एक बार फिर से जीवित करने की कोशिश करेंगे और मास्टर्स कमेटी है शायद वो ना मास्टर्स कमेटी ऐसा कुछ वो क्या है उसके बारे में आप जरा हमें बताएं क्योंकि अभी आप फिर से आप हॉकी टीम इंडिया ने आपको इनवाइट किया है बहुत ये एक्चुअली चकदे के बाद से मेरे कमिटमेंट भी कुछ इस तरीके से रहे या कुछ मालूम नहीं क्या मैं हॉकी इंडिया से कम जुड़ा रहा मैं उनके मैचेस देखने के लिए वर्ल्ड कप और जो भी होता था हॉकी इंडिया लीग में मैं कमेंट्री कर रहा था स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर इन तरीके से जुड़ा लेकिन मुझे बहुत मन था कि मैं एक बार फिर से कोचिंग करूँ गोलकीपर्स की ट्रेनिंग करूँ और पूरे जितने हॉकी प्लेयर्स हैं हिंदुस्तान उनको एक बार फिर से जोड़कर हॉकी को एक नया फ्लिप देने की कोशिश तो कुछ दिन पहले करीब 10-15 दिन पहले एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है मुझे परगत सिंह कुछ हमारे सीनियर प्लेयर्स को ये सौंपी गई है और मुझे बहुत ही विश्वास है जो मेरा रिलेशन है पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों पूरे के पूरे जिस तरीके से प्यार
हम लोग एक बार फिर से हॉकी को ऊपर लाने की पूरी भरसक प्रयास कर रहे हैं। दरअसल वर्ल्ड वेटरन्स टूर्नामेंट होता है जहाँ पर दुनिया के कितने वेटरन्स खिलाड़ी हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था वेटरन्स वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था, लेकिन हमारी हिंदुस्तान की टीम अभी काफी समय से पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और एक बार फिर से पूरे हिंदुस्तान में हॉकी का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इंदौर में एस्ट्रोटर्फ ने एक बड़ी तगड़ी मुहिम वहां पे भी छेड़ी है, और आपको जान के बहुत खुशी होगी सैंक्शन हो गया बहुत जल्दी हम लोग अपना यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ, क्योंकि मॉडर्न हॉकी एस्ट्रोटर्फ के बिना संभव नहीं। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, सब लोगों का प्यार है। एक बार आपने मुझे ये भी कहा था कि जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें थोड़ा लीडरशिप स्किल और टीम बॉन्डिंग की जो स्किल है उसका भी डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में हमको बताएं, क्योंकि मुझे लगता है उसके ज़रिए जो मुंबई के कई सारे कॉलेजेस में या वहाँ की जो बता रहे हैं इंदौर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने में आए हैं लीडरशिप में, वो बच्चे आगे गए हैं। खेल के मैदान की ताकत को कंचन जी सिर्फ वो इंसान समझता है जो खुद खेलता है, और खेल के मैदान में जो जितना पसीना बहाता है एक्चुअल मैचेस में वो उतना ही कम लहूलुहान होता है। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। एक्चुअली क्या है, जब तक आप खेलेंगे नहीं आपको पावर समझ में नहीं आएगा, खेल ऑटोमेटिकली सब कुछ सिखाता, और सबसे बड़ी बात आपको हारना सिखाना सिखाता, क्योंकि मैच में आप रोज हारते हैं, आपके ना जो खिलाड़ी नहीं है उसको आपको समझ में आ जाएगा कि ये खिलाड़ी नहीं है, जरा सी बात को लेके वो नाराज हो जाते हैं, जरा सी बात को लेके परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो जो खिलाड़ी है वो डिसिप्लिन में रहता है, वो सुबह उसको उठना ही है, उसको ना अपनी शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है एक कंपनी की तरह ताकि है ना वो लंबे समय तक चले, और यही कारण है कि कई खिलाड़ी जो हैं वो इतनी मेहनत करते हैं कि वो जब परफॉर्मेंस का दिन आता है तो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से खेल से अच्छी चीज शायद कोई नहीं है, क्योंकि चाहे वो छोटा सा जानवर हो, एक चींटी हो, एक हाथी हो, एक छोटी सी गौरैया हो, एक बड़ा सा ईगल हो, छोटी सी मछली हो, बड़ी सी शार्क हो, सबके अंदर अगर फाइटिंग स्पिरिट आती है तो वो सिर्फ खेल के आती है, और वो खेलते हैं बचपन में वो छोटे मोटे खेलते रहते हैं तो उसकी वजह से वो फाइटिंग स्पिरिट भी आती है। तो मैं चाहूंगा कि कोविड के इस दौर में आप लोग कोई ना कोई खेल जरूर खेलें। मेरे ख्याल से एक दो दिन छोड़ के मैं तकरीबन रोज टेनिस और गोल्फ खेलने के लिए गया, वॉक करने के लिए गया, अपनी एज के हिसाब से ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत अच्छी फिटनेस है मेरी, और मैं चाहता हूँ कि मेरा युवा वर्ग है वो भी है ना अपने आप को बहुत ज्यादा फिट रखे और आने वाले समय के लिए तैयार करे, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जिसे मैं आपको बहुत संयम से काम लेने की जरूरत है। आप लोग एक ऐसे घर में कैद हैं जहां पर जो बिग बॉस का घर जैसा है, जहां आए दिन कुछ ना कुछ कहल मचती है, कुछ होता है, तो बहुत ज्यादा संयम, बहुत ज्यादा अखलाक, बहुत प्यार से, बहुत शांति से आपको अपने आप को मैनेज करना है और आने वाले कल के लिए तैयार करना है। और खेल कोई जरूरी नहीं कि आपको बाहर जाना है, पूरा घर है आपका, और घर में आपकी सीढ़ियां हैं, आपका घर है, आपकी रोड्स हैं, किसी को भी यूज करिए लेकिन थोड़ा सा खेल। Thank you.
अभी आवाज आ रही है सर? हाँ ओके। बस आखिरी सवाल ये कि जैसे आप बता रहे थे कि जब आप लोग खेलते थे, जब आप एशियाड की बात बता रहे थे, तो टेक्निक के बारे में कोचेज़ नहीं बताते थे ना। आई एम श्योर शायद जो हम इमोशनल और जो मेंटल हम सपोर्ट की बात करते हैं खिलाड़ियों को, जिन पर आज बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, उस पर शायद उस वक्त नहीं होता होगा जब आप बता रहे हैं। मेजर टेक्निक्स पर ही नहीं होता था तो शायद मेंटल इमोशनल पर भी नहीं होता था। आज वो टेक्निक्स कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि कोविड की वजह से, बहुत सारी जॉबलेसनेस की वजह से काफ़ी एक नेगेटिविटी है माहौल में, तो लोग किस तरह से खुद को मोटिवेट रखें, भले उनके आगे पीछे तकलीफ़ें हैं, जॉब्स नहीं हैं, और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं इसलिए हम ज़रूर जानना चाहते हैं। और साथ में आपने एक वो फेज़ देखा है जो शायद बहुत ही नेगेटिव फेज़ था, उससे आप खुद उभर के सामने आए हैं, तो आप ज़रा सा ये बताइए कि मेंटल जो फिटनेस है या हमारा इमोशनल लेवल, कैसे हम उसको चेंज करें? ये मेरे ख्याल से आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये अपने पूरे जो कन्वर्सेशन है उसका सार है। और मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, जो भी उतार चढ़ाव आए, उसमें तीन चार चीज़ों को अगर मैं एनालाइज करता हूँ जो मैंने ध्यान रखी थी, शायद उसकी वजह से वो सारा का सारा कमबैक पॉसिबल हुआ। उसकी वजह से वो सारा का सारा जो स्ट्रेस था वो कम रहा और कंट्रोल में रहा। उसमें से एक है माइंडफुलनेस। हम ना कुछ मेडिटेशन करें, कुछ योगा करें, और जैसे कि टाई ची होता है, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड को शांत करने में बहुत ज़्यादा मदद करें। दूसरी बात ये है कि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि अच्छा एक होप आपके जीवन में हमेशा रहे। जब आप सोचो कि नहीं ये कोविड है, ये क्या, ये अभी पूरे समय रहेगा, नहीं ये चले जाए, वो विश्वास करना वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपकी लाइफ में एक कंपैशन होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब मैं नीचे गया था तो मुझे जिन लोगों ने ऐसे हाथों हाथ रखा वो मेरे इनर सर्कल था, और मेरा आउटर सर्कल जो है मेरे दोस्तों का वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। मतलब आप कुछ भी गलती करो लाइफ के अंदर, कुछ मिस्टेक्स करो, या कभी आपके साथ कुछ हो जाए, तो आपके साथ में एक ऐसा सर्कल होना चाहिए, ऐसे लोग होना चाहिए जो आपके लिए खड़े खड़े मेरे भाई थे और मेरे रिलेशन के अलावा ऐसे दोस्त जो 40-50 साल के मेरे बहुत खास थे। और आपने भी महसूस किया होगा कि इतने दिनों में अगर हमारा झगड़ा नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जोर से कभी बात नहीं, विश्वास कभी जोर से बात इतने सारे सालों में आप मेरे मैं आपको नंबर दूंगा कितने से जाके बात। तो ये जो कंपैशन है लाइफ में इट पेस यू इन द लॉन्ग रन, हमेशा बहुत ज्यादा कंपैशन अगर मैं कंचन श्रीवास्तव से बात कर रहा हूँ आज, तो ये है कि कंचन की इस बात को महसूस करती है कि भाई को अगर कुछ बुरा है तो वो होगा, इतना कंपैशन वो मान के जान के चलते, वो कंपैशन होना बहुत जरूरी है। और सबसे जो जो खास है सेकंड जो लास्ट है वो है प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस जो है वो खेल से आता है, लोग ना आजकल पटुंगा में देखता हूँ लाफ्टर क्लब में बहुत सारे यूथ में लाफ्टर क्लब, ऑल दीस प्लेफुल और आप इन चीजों का सारा का ध्यान रखें, थोड़ा मेडिटेशन करें, अच्छा करें। ऐसी कोई चीज नहीं लाइफ के जो जिसे आप इसे आप कॉन्कर नहीं कर सकते। और अब तो मैं ना विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ना मेरी मेरी जीवन में अभी भी एक तूफान है, दीपी एक बहुत बड़ा तूफान से गुजर रहा हूँ, जो जो कभी हो सकता है आज के आने वाले कुछ सालों के बाद जहाँ पर एक बहुत बड़ा बदनामी का एक और दाग मेरी पेशानी पे लगा है
जो अपने आप में खुलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। एंड आई एम होपफुल एंड आई एम वेटिंग फॉर, आई एम नॉट परटर्बड, बिल्कुल घबराता नहीं, लेकिन मेरे लिए यह विश्वास उन लोगों पर जो मेरे मेरे पास मेरी बात को समझते हैं, उन लोगों पर जो मेरा उन्होंने मेरे को हमेशा हमेशा सपोर्ट, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने दोस्त बनाएं, बहुत अच्छे दोस्त बनाएं, और ऐसे दोस्त हो जो सिर्फ आपके सामने शाम नहीं बिताए, आपके व्हाट्सएप फ्रेंड, लेकिन आप हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मीर भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।